राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और यदि तस्वीरों में विपक्ष के नेता एक साथ मौजूद हो तो सियासी पारा चढ़ना बिल्कुल लाजमी है। राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम समय बसा है। चुनावी माहौल के बीच प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा चढ़ाने वाली कुछ तस्वीरें आज सामने आई है। विधानसभा से लेकर संसद तक अपने राजनीतिक विरोधियों पर आक्रामक रहने वाले हनुमान बेनीवाल की सियासी पैठ मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। मौका था बेनीवाल की बेटी दिया के जन्मदिवस कार्यक्रम का। इस मौके पर बेनीवाल ने दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में एक ग्रैंड पार्टी रखी, लेकिन इस कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा चर्चा का विषय बना रहा। बेनीवाल के इस निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंचे। अब इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बेटी के जन्मदिन के बहाने भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेनीवाल से मुलाकात और नजदीकियों को देखकर लोग इनके कहीं मायने निकाल रहे हैं। और बेनीवाल की इस पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शिरकत की, लेकिन इनकी मुलाकात के कहीं सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहीं यूजर्स कमेंट करके सवाल कर रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव में बेनीवाल केजरीवाल की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसे लेकर दोनों ही नेताओं की तरफ से किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल व भगवंत मान ने पिछले दिनों जयपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत होने का आरोप लगाया था, कुछ इसी तरह के आरोप हनुमान बेनीवाल भी लगाते रहे हैं। और ऐसे में बेनीवाल के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के दोनों सीएम की मौजूदगी के कहीं मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर्स लिखते हैं, बेनीवाल साहब का कुछ नहीं कह सकते, वो खुले दिमाग के इंसान हैं, आने वाला समय ही बता सकता है कि बेनीवाल जी किसके साथ गठबंधन करेंगे। यह इंसान खुला शेर है, कहीं भी दहाड़ सकता है। वहीं एक और यूजर्स लिखते हैं, भ्रष्ट पार्टी आपके साथ बेनीवाल चले गए तो कैरियर तबाह, बीजेपी के साथ उनका कद बड़ा हो सकता है। और वहीं एक और यूजर्स लिखते हैं, आम आदमी से नेताजी को उल्टा नुकसान होगा, नेताजी आपके कार्यकर्ता हम इतने मजबूत है कि आपको सीएम बना सकते हैं, हम किसी की जरूरत नहीं है, आप विश्वास करो। और इस मामले पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।